मेरठ की हो। मेरठ के सरगना और बवाना क्षेत्र में 19 विदेशी जमाती मिलने से हड़कंप मच गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और कोई भी भीड़ नहीं है सड़कों पे। और जितने भी कंट्रोल रूम में हमारे पास जो सीजी नंबर है, 112 नंबर है, और जो नंबर हेल्पलाइन का मेरठ का जारी किया गया है, उन सभी जगहों पर खाना पहुंचाया जा रहा है। 20,000 लोगों से अधिक को प्रतिदिन खाना यहाँ पर दिया जा रहा है। और पुलिस लाइन से भी सारा अरेंजमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त कई सेंटर बनाए गए हैं थाने चौकियों में भी, जहाँ से जो नीडी लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कि जो 19 विदेशी जमाती पकड़े गए हैं, इनको लेकर के क्या किया जा रहा है, मुकदमा कितने ऊपर दर्ज किया गया है, और इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, मस्जिद में क्वारंटाइन है? हाँ, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 19 लोग विदेशी हैं, जिसमें 10 इंडोनेशिया से, बाकी 9 लोग 3 अलग अलग देशों से आए हुए हैं। ये 2 मस्जिदों में है, मोहाना और सरधना में, दोनों जगहों पे इनको रोका गया है, इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और साथ ही ये जहाँ पर आए थे वहाँ के जो संबंधित इमाम हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उसमें क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री निजामुद्दीन से भी है? निजामुद्दीन भी ये लोग गए थे? नहीं, अभी तक कोई लिंक इनका नहीं मिला निजामुद्दीन का। और इनके CDR के बाकी चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं और मेडिकल। यदि बात करी जाए कि बांग्लादेशी जमाती भी यहाँ पे किसी मस्जिद में रुके, कितनी संख्या में है, क्या उनकी जांच कराई जा रही है? नहीं, बांग्लादेशी जमाती नहीं है, ये बेसिकली जो तबलीफी जमात है उसकी चर्चा हो रही थी। 8 लोग मेरठ के हैं जो जमात में गए थे, जिसमें से 7 इसमें निजामुद्दीन दिल्ली में है, और एक यहाँ मेरठ में मौजूद है जिसको क्वारंटाइन कर लिया गया है और मेडिकल टीम द्वारा उसका चेकअप करा लिया गया है। रुख करते हैं सहारनपुर की ओर। सहारनपुर के नागर ब्लॉक तलहेड़ी से हेमंत अरोरा और हमारे जिला प्रभारी वीरेंद्र चौधरी की खास रिपोर्ट, जहां पर लॉकडाउन को लेकर के सतर्कता बढ़ती जा रही है। और अभी हम सहारनपुर के नागल ब्लॉक के तलहेड़िया क्षेत्र में हैं, तलहेड़ी चौकी पर हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। और आप इधर भी देख सकते हैं, बिल्कुल सुनसान है, बैंक खुले हुए हैं, वहां दूर एक बैंक है, लेकिन बैंक पर भी जो भीड़ है आने जाने वालों की वो बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ जो पैसे की निकासी है सिर्फ वही है, लेन देन चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस टीम अपनी पूरी ड्यूटी कर रही है, जो भी आने जाने वाले हैं उनको रोका जा रहा है, रोक कर पूछा जा रहा है कि क्यों निकले हुए हैं, कैसा है, और उसके बाद उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उनको भेजा जा रहा है। ये लोग कौन हो सकते हैं? ड्यूटी वाले हो सकते हैं, पेट्रोल पंप वाले हो सकते हैं, या जो मेडिकल सेवाएँ दे रहे हैं वो हो सकते हैं, वही लोग हैं जो सड़क से आ जा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, आप कहां पर जा रहे हैं, क्या करते हैं आप? ATM पर है सर ड्यूटी। अच्छा, देखिए, इनकी ATM पर ड्यूटी है। और आप कहां है आपकी ड्यूटी? मेरी दिल्ली सर। नहीं, क्या क्या काम करते हैं आप? सर जी, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, तो अभी आपने पास लिया हुआ है? जी सर जी, ब्लॉक से होकर आ गया हूं। जी देखिए, पास इन्होंने बनवाया हुआ है, ड्यूटी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, जरूरी है, तो ये वहां पर जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ऑनलाइन भी आप जा सकते हैं, ऑनलाइन भी पास बनाने का जो वेबसाइट पे दिया गया है आज लिंक, लोग बाग उस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। हमारे बीच में है हमारे चौकी प्रभारी विजय जी सिंह जी। तो मैं जानना चाहूँगा विजय जी के आसपास जो अक्षेत्र पड़ता है तलहेड़ी चौकी के, वहाँ पर पूरा चल रहा है लॉकडाउन का पालन, आप लोग करवा रहे हैं? दूर तक पालन कराया जा रहा है, किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। लोगों को बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, और वहाँ के जो प्रधान है मौजूद लोग उनको भी बताया जा रहा है, अपने बच्चों को, महिलाओं को बताया घर में रहें और इसका लॉकडाउन का पूरा पालन करें, पूरा पालन, और सोशल डिस्टेंस बना के रहें, घर में भी रहें तो सोशल डिस्टेंस बना के रहें, किसी तरीके की एक दूसरे से टच ना करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, ये सब चीज का पूरा ध्यान रखें। तो जैसे अभी प्लान चल रहा है, बाहर से कुछ मजदूर वर्ग है जो बाहर गया हुआ था वो आ रहा है गाँव में, तो क्या उसकी जानकारी आप तक आ पा रही है? ग्राम प्रधान इसके लिए जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं, हम उनके टच में है, बराबर कम्युनिकेशन बनी हुई है, और उनके रहने के लिए भी अलग व्यवस्था बना दी गई है। सरकारी स्कूल है, कम्युनिटी हॉल है, वहाँ अलग से बेड गिर दिए गए हैं कि 14 दिन के क्वारंटाइन में रहें, वो अलग से उन पर पूरा वास रखे जा रहा है, उसकी सूची बनाई जा रही है। तो यहाँ कोई आसपास आइसोलेशन बना है, कोई स्कूल या कोई ग्राम पंचायत? तलेड़ी में बनाया गया है, प्राइमरी स्कूल में बनाया गया है, और सब जगह आपका चंदना कोली में भी एक स्कूल को बनाया गया है, साखन कला में स्कूल को बनाया गया है, वहाँ भी बेड रखे गए हैं। जी, तो वहाँ पर कोई ऐसे है संदिग्ध कि कोई आया है पेशेंट, कोई लोग हैं वहाँ पर? नहीं, अभी तो इसमें कोई नहीं आया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि कोई इस तरह का पेशेंट अगर नहीं फाइंड आउट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही करा जा रहा है कि जो भी कोई आज की सूचना तत्काल उच्च अधिकारी को दी जाए, शासन को दी जाए, और ग्राम प्रधान भी अपनी पूरी भूमिका निभाए इसमें। हम लोग लगे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, किसी तरीके का लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो जाए।
देखिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जानकारी ग्राम प्रधान या संबंधित पटवारी कानून गो सब लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे से पहले एक डॉक्टर टीम भी गई हुई थी। गांव गांव जाकर ये लोग दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहीं से भी सूचना आ जाती है कि बाहर से लोग हैं। आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जा चुके हैं सभी पर। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई संदिग्ध केस के अलावा कोई पॉजिटिव केस कोरोना केस नहीं मिला है। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा, वीरेंद्र चौधरी जी के साथ, विकास किधर जी के साथ, पब्लिक एशिया, धन्यवाद। और अभी हम लोग गए थे डेट वैली में, जहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और वहां पर 5 लोग थे जो संदिग्ध अवस्था में हैं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी बीच हमारे बीच में है हमारे नायब तहसीलदार देवबंद राकेश कुमार शर्मा जी। मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर कितने व्यक्ति हैं जो आइसोलेशन के लिए। वहां पर 5 व्यक्ति हैं, कल शाम इन्हें वहां लाया गया है जी। और ये लुधियाना से आए थे, पंजाब से जी। और अभी इनकी स्थिति ठीक है, डॉक्टर लगातार जा रहे हैं और ये पुलिस की निगरानी में है वहाँ पे जी। हमारे लेखपाली वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है जी। तो वहाँ पर उनके लिए हमने जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या दी हुई हैं? सुविधाएं वहाँ पे हमने मच्छरों के लिए इनके मोर्टिन लगाया है जी। और इनके लिए खाने की व्यवस्था है, हम खाने के पैकेट के लिए लगातार भिजवा रहे हैं सुबह शाम जी। और इसके अलावा हमारे गाँव में हमने जो है क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं जी, जिन पे जो है बैठा रखे हैं, वहाँ कर्मचारी लगा रखे हैं, हमने ब्लॉक से लगा रखे हैं, सेक्रेटरी और आशा है वहाँ पे, और ये हमारे लेखपाल भी है और सब लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो ये लोग जब आए थे इनकी सूचना हमें कहाँ से प्राप्त हुई? हमें इनकी सूचना लेखपाल से प्राप्त हुई थी कि 5 आदमी हमारे गांव में आए हैं, तो हमने इन्हें स्कूल में बिठाया। पहले स्कूल में बिठाने के बाद रात हमने इन्हें शिफ्ट कर दिया जी। हाँ, डेडी वैली में शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पर अभी किसी तरह का कोई पॉजिटिव केस नहीं है? अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, अभी सामने कोई नहीं आया। डॉक्टर भी आए थे, डॉक्टर ने चेक किया है, सुबह भी चेक किया है, कल भी चेक किया था जी। अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना संबंधित लेखपाल या कानूनगो के द्वारा, संबंधित हमारे यहाँ डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विकास पाल या थानाध्यक्ष महोदय को दी जा रही है और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। लेकिन अभी बहुत ठीक है कि किसी तरह का कोई पॉजिटिव केस नहीं है, ट्रीटमेंट रहेगा, आइसोलेशन के बाद उनको उनके घर विस्थापित कर दिया जाएगा। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा, धन्यवाद। तो वहीं उधर सहारनपुर के नागर क्षेत्र के डेट वैली स्कूल को आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट किया है। अभी हम सहारनपुर के नागल ब्लॉक में हैं। यहाँ में एक स्कूल में है डेट वैली इंटरनेशनल एकेडमी, जिसे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हमारे डॉक्टर नागल स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और थानाध्यक्ष महोदय और हमारे नायब तहसीलदार साहब, अभी यहाँ से पूरी टीम गई है। 2 से 4 व्यक्ति आइसोलेशन वार्ड में है, भी आप देख सकते हैं 5 व्यक्ति हैं यहाँ पर। और खाने की कुछ जब ये रखे गए हैं तो खाना भी इनके पास आ गया है और मच्छरों से थोड़ा सा परेशानी रही है, उसके लिए मोर्टिन भी इन लोगों को दिया गया है। आप देख सकते हैं पीछे यही स्थानीय लोग हैं आसपास से आए हुए हैं जिन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, और जैसे ही ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे इनको इनके घर छोड़ दिया जाएगा। तो उधर बागपत में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने समिति सागर हाउस को आइसोलेशन सेंटर बनाया। कॉलेज है उसमें जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो गांव में आ रहे हैं और उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, कई प्रांतों से हमारे यहाँ जो यहाँ के नागरिक हैं वो आ रहे हैं, अपना जो बाहर दिहाड़ी मजदूर थे, काम करने वाले थे, वो लौट के आ रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था अलग से एक, अभी तक 5 किए गए थे, ये 2 और कर दिए गए हैं। तो इस तरह से स्क्रीनिंग, अस्थाई स्क्रीनिंग कैंप और अस्थाई आश्रय स्थल की व्यवस्था करीब 2000 के लोगों के लिए पृथक से जनपद बागपत में की गई, उसमें सारी सुविधाएं जो उनके प्रवास की, इसके अतिरिक्त जो है उनके खाने पीने की और साफ सफाई की, शौचालय आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मैं और SP साहब, SDM साहब और CO साहब जो है अपनी पूरी टीम के साथ व्यवस्थाओं को मैं स्वयं देख रही हूँ और पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां दिल्ली के शेख नामुद्दीन से 9 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई और 24 लोग संक्रमित पाए गए, तो 324 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। उधर अलीगढ़ से है एक खास खबर, जहां जेल से छोड़े गए 141 बंदी अब जेल की जगह घरों में रहेंगे कैद। अलीगढ़ से पंकज धीरज की विशेष रिपोर्ट। 141 लोग छोड़े जा रहे हैं और अभी हाथरस की जनपद की जो न्यायालय का प्रक्रिया चल रहा है अंदर अभी, तो कुल मिला के अभी ये 3-4 दिन कार्रवाई होनी है,
तो इसमें लगभग 350 बंदियों के छूटने की वो है संभावना। सर ये कितने दिन के लिए छोड़े जाएंगे? ये जो विचाराधीन बंदी है ये 8 सप्ताह के इंटरिम बेल पे छोड़े गए हैं, और सिद्धोस बंदी जो सजा पड़ चुके हैं उनको 2 महीने का पैरोल दिया जाएगा। राजा आज तुम छूटे जा रहे हो जेल से, तो क्या कारण रहे जो छोड़े जा रहे हो? सर ये कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके कारण हमें छोड़ा जा रहा है सर। कितने दिन के लिए आपको छोड़ा जा रहा है? सर 2 महीने के लिए छोड़ा जा रहा है, 60 दिन, 4-8 हफ्तों के लिए। कहाँ के हैं राजा? न्यू दिल्ली फुटपाथ का हूँ सर मैं। तो राजा कितने टाइम से, कितने समय से यहाँ तुम जेल में थे? सर 1 साल कुछ दिन हो गया मुझे। क्या अपराध था तुम्हारा जिसके तुम सजा काट? सर सारे केस नाजायज लगा रखे सर, मुझे वहाँ से पकड़ के लाए थे न्यू दिल्ली से सर। अब आप आज कहाँ जा रहे हैं? सर आज नहीं, वापसी नहीं, दिल्ली छोड़ने जा रहा है सर। आज अपने प्रधानमंत्री द्वारा आपको छोड़ा गया, अपने घर पहुँच रहे, कैसा लगेगा आपको? सर थोड़ी गुड फीलिंग सी महसूस हो रही है सर, और चाहेंगे तो कुछ अच्छा ही करने के सोचेंगे सर। तो क्या आपसे कोई कागज़ वगैरह जमा कराए गए, कोई गारंटी जो 2 महीने ऐसे कागज जमा नहीं? फिर आपको कैसे लेंगे वापस 2 महीने बाद? क्या खुद आओगे या लेने? सर हम खुद ही आएंगे अपनी इच्छा से सर। कोरोना की वजह से कितने दिन की पैरोल है? 2 महीने 60 दिन। तो दिल्ली से आप यूपी में शिफ्ट हुई थी या? ना, वो तलाक का मैटर था। तो आज आप कहाँ? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली किस, क्या व्यवस्था रहेगी दिल्ली जाने तक? दिल्ली ये जो संबंधित थाने तक छोड़ेंगे शायद, यही है सर। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े हैं पब्लिकेशन न्यूज़।